और उसकी मीटिंग हुई और हमारे ऑफिसर महान जी जगत सिंह ने मेरे अलावा हर्षवर्धन चौहान जी जगत सिंह नेगी जी विक्रमादित्य सिंह जी और गोमा जी उसके पांच सदस्य ये कमेटी थी और उसकी मीटिंग हुई और हमारे ऑफिसर्स जो हैं लॉ साइड से भी और हमारे डिपार्टमेंट साइड से भी ऑफिसर्स ने इसमें हिस्सा लिया और उसमें हमने सारा जो जो भी भर्तियाँ हुई हैं उसका ओवरऑल व्यू तो दिया, लेकिन जो पोस्ट कोड 817 है उसका पूरा विस्तृत अध्ययन किया गया, क्योंकि उसमें जो है 2.25 लाख के आसपास बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था और 1 लाख से अधिक बच्चे उसमें एग्ज़ाम में बाद में बैठे थे और उनमें से 4500 के आसपास बच्चे स्क्रीनिंग में पहुंचे और 1867 के आसपास जो है पोस्टें थी जिन पे सिलेक्शंस होनी हैं और उसमें विजिलेंस का व्यू भी लिया गया, डिपार्टमेंट का व्यू भी लिया गया और उसके बाद हमने पाया कि ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम था प्रदेश में और इसमें लगभग 7 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ FIR हुई है या जो बेल पे हैं या जेल में हैं, लेकिन एग्ज़ाम बहुत बड़ा था तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी जो इसमें पे फैसले आए उनका भी अध्ययन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बहुत बड़ा एग्ज़ाम है तो उसको इस आधार पे रद्द नहीं किया जा सकता कि कोई किसी जगह कोई गड़बड़ी हुई हो। तो उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में लेने के बाद और 9 महीने पहले FIR हुई थी, 9 महीने के बाद भी अभी तक कोई कंक्रीट रिज़ल्ट पे हम पहुंच नहीं पाए हैं विजिलेंस के लोग, और उस सारे को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी इस व्यू की है और ये हमारा यूनानिमस व्यू है सबका कि हम 817 का जो रिज़ल्ट है उसको डिक्लेयर करने की रिकमेंडेशन फुल कैबिनेट के सामने भेज रहे हैं। हम अब तक का जो व्यू है कि ये जो लटका हुआ मसला था पूरे डेलीब्रेशंस के बाद, डिस्कशंस के बाद और कानून का अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजा पे पहुँचे हैं पांचों लोग कि हम रिकमेंडेशन देंगे कि 7 पोस्टें खाली रखी जाएं और बाकी का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए। अब यह ये फुल कैबिनेट के सामने जाएगा और उसमें जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सर करेगा कौन, ये कंडक्टिंग एजेंसी करेगी हमीरपुर करेगी? वो तो जिसको भी करना है सरकार के अपने जो है विंग्स हैं जिसमें रिज़ल्ट डिक्लेयर करने हैं वो अलग मसला है। सवाल अभी तक ये था कि क्या रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए या रोका जाए, तो उसका फुल लेंथ अध्ययन करने के बाद और इसका आकार देखते हुए कि कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं, प्रदेश के यूथ ने को जो है नौकरी उपलब्ध हो और वो अननेसेसरी डिले होता जा रहा है, तो अगर 7 लोग इसमें शामिल पाए गए हैं अब तक या उनके खिलाफ जो है FIR हुई है उसे बाकी जो है बच्चे जो हैं उनको नौकरी ना मिले लंबे अरसे तक, ये जो है न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए हमने तो एक जो है व्यू ले लिया है कैबिनेट सब कमेटी ने, हम अपनी रिकमेंडेशन फुल कैबिनेट को भेजेंगे और वहाँ पे अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सर इसके अलावा भी जो अन्य भर्तियाँ हैं जिनके परिणाम आने हैं उसको लेकर भी कोई